राजस्थान से लेकर देश प्रदेश की हर बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको हर नई न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक तरफ देश जहां डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और गांव-गांव बैंक पहुंचाने की बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां 2500 की आबादी के बावजूद कोई बैंक नहीं है। वहां के लोगों को दूर दराज भटकना पड़ता है। आइए डालें एक नज़र। जिला श्रीगंगानगर, तहसील शादुल शहर, गांव का नाम सरदारपुरा जीवन, आबादी लगभग 2500 व्यक्ति। सरदारपुरा जीवन में 400 व्यक्ति राजकीय व निजी सर्विस में, 50 सेवानिवृत्त कर्मचारी। बैंक से दूरी 3 व 6 किलोमीटर। बड़े बुजुर्गों को आ रही परेशानी, सरपंच ने कई बार इस मामले को लेकर अवगत करवाया है जिला कलेक्टर को। तो वहीं गांव के लोगों की मांगे हैं कि इस गांव में बैंक हो तो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। देश जहां हर रोज तरक्की कर रहा है, देश जहां डिजिटल इंडिया में बहुत आगे चला गया है, घर घर इंटरनेट की सुविधा होने की वजह से आज हर चीज़ कितनी सुलभ और आसान हो चुकी है, लेकिन श्रीगंगानगर ज़िले में एक ऐसे गांव ने जो सामने आया है उससे साफ जाहिर होता है कि आज भी गांव में जो है विकास की दरकरार है और विकास की ज़रूरत है। इस गांव के लोगों की मांग है कि बैंक सुविधा दी जाए, क्योंकि इसके बाद ही इस गांव में विकास की बात कही जा सकती है। बड़े बुजुर्ग और बूढ़े पेंशन लेने के लिए दूर दराज गाँव में भटकते हैं और कई बार उनके साथ ऐसा भी होता है कि बिना पेंशन उन्हें लौटना पड़ता है। इन लोगों की समस्याओं को आखिर कब तक सरकार या अन्य जो जिम्मेदार है वो समझ पाएंगे, या ये जो खबर है बैंकों के उन तमाम बड़े अधिकारियों के कानों तक जब पहुंचेगी तो क्या वो यहाँ बैंक खोलकर इस गांव को विकास की ओर बढ़ाएंगे? विकास के काफी जरूरत है इस गांव को। राजस्थान है।